जैसे मैंने बोला कि वर्स 2.1 से हमें कोरस 1 में आना है, तो कोरस हमारा वोकल का पार्ट ही एक हिसाब से रहेगा। तो हमने जो चेंजेस करने हैं वो किक इनोवेशन करके करेंगे हम, ताकि हमारा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो हम चेंज करें वो हमारा चेंज अच्छे से आ पाए। ठीक है, तो हम जो पिछले वाला हमारा था सेक्शन, सेम हमें वही आगे लेके आएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा इसमें। जो पिछला सेक्शन था ये वाला, हम इसको ही कंट्रोल बी करके आगे लेके आए हैं इतने इतने हिस्से को, ताकि वो सेम चीज़ किक इनोवेशन वगैरह वगैरह जो भी था उसमें, इसमें भी सेम चीज़ आ जाए। तो हम इसे लाइन टू लाइन मैच करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे। ऑल्ट प्रेस करके बाद लाइन से मैच कर देंगे और देखते हैं कि क्या बना। इसके बाद सेम फिर से वही फीलिंग चलेगी हमारे पास ये वाली, तो हम इसको कंट्रोल बी करके आगे ले जाएंगे, वही रहेगा हमारा। ओके, तो हम इसको यहाँ से अटैच कर देंगे लाइन के साथ, बिल्कुल अटैच। तो देखते हैं क्या बना। यहाँ पे हम एक डाउन लिफ्टर डालना भूल गए हैं, तो हम डाउन लिफ्टर डाल देंगे जिससे कि हमारा और अच्छा आएगा ग्रूव निकल के। देखते हैं क्या बना। यहाँ पे हम एक अपलिफ्टर भी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा और अच्छा सा ग्रूव निकल के आ पाए। तो इस पार्ट में जो हमारा है वो मेन लीड्स हम डाल के देखते हैं, साथ में वोकल की अच्छी लग रही है या नहीं, क्या चीज़ बनी है देखते हैं। पर ओके, सो इसको चेक कर। मैं क्या कर रहा था अभी, सॉन्ग की फिनिशिंग करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये हमारा लास्ट पार्टी चल रहा है। हमने क्या किया, पहले एक स्थाई बनाई, अब हमने एक अंतरा बनाया। दूसरा अंतरा भी सेम ही चलता है, थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं बट तकरीबन तकरीबन सेम ही रहता है। तो दूसरा अंतरा अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो हम एक बार इसको फिनिशिंग देने की कोशिश करते हैं, हमारा गाना ख़त्म कैसे होगा। तो हम सब चीज़ें एक बार कंट्रोल भी करके फिनिशिंग दे देते हैं इसको। ये हमारा एक एक गैप पे आएगा, ओके यहाँ पे आएगा शायद, यहाँ पे आएगा। ओके, हमारा
हमारा टाइम है सॉन्ग को फिनिशिंग देने का। सो सॉन्ग का हमारा लास्ट पार्ट है जो चल रहा है वोकल वाला, तो हम इसकी जो फिनिशिंग हम देने की कोशिश कर रहे हैं इसको, तो हम इसको लास्ट तक ले जाएंगे। जो हमारे ये वाला पैटर्न है इसको हम लास्ट तक ले जाएंगे, कंट्रोल क्लिक करके इसको लाइन के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। एक हमारा ये सेक्शन, सॉरी ये सेक्शन हमारा रिपीट हो रहा है बीच में, ठीक है। तो इसको दोबारा से कंट्रोल बी और लाइन के साथ मैच करने की कोशिश। और एक हमारा क्लैप रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो लीड का पार्ट हम 3 रखेंगे इसमें, ताकि मैं सॉन्ग की फिनिशिंग कर सकूं। लास्ट पार्ट में मैं अपना सेकंड लीड भी ऐड कर दूंगा, लीड 2 का नाम दे देते हैं हम इसे, लीड 2। इसका डेकोरेशन करना हो तो कुछ कलर दे देते हैं हम इसको, और तो क्या ही करना है, ठीक है। कलर इसको हमने दे दिया है, तो देखते हैं। ला ला लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे सब कुछ ही आ जाएगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे दूसरी लीड भी ऐड कर दी है, जिसको हम लीड 2 का नाम दे देंगे। तो ऐसे ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली हमारी बीट ख़त्म होनी चाहिए, सॉरी शेकर से हमारा ड्रम वहाँ पे ख़त्म होना चाहिए फिनिशिंग के लिए। धीरे धीरे हम चीज़ें ख़त्म करते जाएंगे। क्लैप्स पहले ख़त्म करते हैं, स्नैप्स भी ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ कोड बचेंगे हमारे पास। जहाँ पे हमारा सब कुछ ख़त्म हो रहा है हम वहाँ पे भी थोड़ा सा कन्वर्जन डाल देते हैं। जो कवर सॉन्ग है एक बन के रेडी हो गया है। हमने इसमें सिर्फ म्यूज़िक पे काम किया है, मैंने आपको मोटा मोटा बताया है। जिसको एफएल स्टूडियो की नॉलेज नहीं है वो एफएल स्टूडियो कैसे चला सकता है। फिर भी आपको कुछ ऐसा रहा होगा जो मेरे मन में ना आए या कुछ आपको समझ नहीं लगा है, तो आप मुझे वो चीज़ कमेंट में या कैसे भी करके पर्सनली मैसेज करके ज़रूर पूछें, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि वो चीज़ कैसे करनी है। तो ये हमारा फिनिश होके कवर सॉन्ग एक निकल चुका है। तो अगर तो आपको इसकी प्रोजेक्ट फाइल भी चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सॉन्ग एक बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से कवर सॉन्ग बनाए जाते हैं। आई होप कि आप सबको मेरा ये लेक्चर सारे समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा कुछ इतना है नहीं इसमें वास्ट, बट जो मैं बता रहा हूँ आपने वो ध्यान से सुनना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है,
और आप बढ़िया 4-5 दिन में ही बढ़िया आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। मैं नित्य नित्य म्यूज़िक आपका दोस्त हमेशा आपके लिए काम करता रहूँगा, आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिए। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तभी मेरे को पता लगा कि मुझे लोग मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो जितना आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे उतना ही मेरे लिए बेटर रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे मेरे बाकी सोशल पेजेस पे भी फॉलो कर लीजिए। मेरे दो यूट्यूब पे चैनल हैं, एक मेरा म्यूज़िक के नाम से चैनल है जहाँ पे मैं अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स डालता हूँ, जिसका नेम है नित ए म्यूज़िक। Would you like a great way to convert your नित्य म्यूज़िक आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे मेरा जंग करोना गाना आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये नित्य, ये मेरा खुद का ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस देखें, मेरे सॉन्ग्स देखें। और अगर आपने मेरी वेब सीरीज़ या मेरी वाइंस देखनी है जहाँ पे मैं अपनी वाइंस बना के डालता हूँ, तो वहाँ पे मेरा चैनल रहेगा द इंडियन गिटारिस्ट के नाम से। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने बहुत ही फ़नी वाइंस आप सबके लिए बना रखी है। यहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार मिला है आप सब लोगों की वजह से। आप सब लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे इतना थोड़ा बहुत, मुझे जितना भी प्यार मिला है सब आपकी सपोर्ट है। तो यहाँ पे जाके मेरी स्टैंड अप कॉमेडी, मेरी वाइन सब कुछ आप देख सकते हैं। मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे कोई भी वीडियो क्लिक करके आपको सारे सोशल अकाउंट्स मिल जाएंगे मेरे। तो शो मोर पे जाके कोई वीडियो खोल ले, जैसे इसमें नहीं है किसी और वीडियो में चेक कर लेंगे तो आपको मेरे अकाउंट्स मिल जाएंगे। तो मुझे मेरे सोशल चैनल पे या सोशल अकाउंट्स पे मुझे फॉलो कर लीजिए। देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंकडिन, सारे अकाउंट्स मेरे इसमें पट रखे हैं, तो मुझे आप यहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक